ओम साईं राम। साईं जीवन माला से मैं कैलाश चंद गुप्ता आज आपको इस YouTube के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ। बताने के पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी परेशानी है वो मुझे बताइए, ताकि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी समस्या का निदान साईं बाबा के चरणों के नीचे कर सकूं। आशा करता हूं कि आप आज जो बताने जा रहा हूं वह यह है कि आपके देवी देवता को, आपके व्यापार को, आपके घर को लोग तंत्र मंत्र के द्वारा बंधन कर दिए जाते हैं। ये जो बंधन का खेल है, ये मरघट की काली तांत्रिक क्रियाओं द्वारा ये लोग इन्हीं को लेकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और आपको परेशानियों के जंजाल में डाल दिया करते हैं। आप इस बंधन के को कैसा खोला जाए, कई जगह आप जाते हैं, नीम हकीम लोगों के पास जाते हैं और वहाँ पैसे की काफ़ी मांग होने के कारण आप अपनी बातों को अपने आप में रख कर अपने घर आ जाते हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो आज आप कहीं मत जाइए, सद्गुरु साईं का ध्यान करके आप एक नींबू रखिए, एक चाकू रखिए और 3 कपूर रखिए और 7 लौंग रखिए। ये चीज़ को आपको रखना है और आप अपने घर पर कहीं पर भी एकांत स्थान पर बैठ जाइए। आपके जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, वो तो आपको मालूम होगा और वहाँ बैठकर आप 3 कपूर, 7 लौंग को चाकू से एक गोला बना लीजिए और मरघट के भैरव बाबा अपना नाम लीजिए। मेरे घर में मेरे दुश्मन के द्वारा जो भी बंधन मेरे परिवार पर, मुझ पर, देवी देवता पर किया हो, उसे आज खोलिए और एक बार में नींबू को काट कर आप उस गोले के अंदर में रख दीजिए और 7 लौंग, 3 कपूर में उस 7 लौंग को जला दीजिए। इतना करने के बाद आपके घर के जो सारे बंधन हैं वो खुल जाएगा। आपको व्यापार के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, घर के प्रति एक ऑटोमेटिक एक आपके मन में एक ऊर्जा का वास होगा। आशा है इस बंधन के उपाय को आप अगर इन कृतज्ञों से परेशान हैं तो इसे आप जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर पर हमें इसका मैसेज दीजिए। और कोई आपकी परेशानी है उसको भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें दीजिए, ताकि हम साईं आश्रम में साईं बाबा के चरणों के नीचे आपकी समस्या का निदान हो, ऐसा हम मंगल कामनाएं परम ब्रह्म परमात्मा साईं नाथ से करते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम।